सीटेट के अंदर 60 आउट ऑफ 60 लाना चाहते हो 2021 के अंदर, एनसीईआरटी बेस्ड आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। पेपर के बाहर इससे कुछ नहीं आएगा। हमारा टारगेट है 125 प्लस नंबर का। अगर आपका भी है तो इस पूरी वीडियो को देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। सीटेट में अब आप 125 प्लस की तैयारी नहीं करोगे और जो चीज़ एग्ज़ाम में आती है वो नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे? दिस इज़ द राइट टाइम। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहला टॉपिक करेंगे एंशियंट हिस्ट्री का, वेद। पूरी एंशियंट हिस्ट्री को मैं लाइव क्लासेस में आपको करा चुका हूँ। आज हम चैप्टर वाइज भी करेंगे जिसमें वेद कंसेप्ट हमारा पहला होगा। पेपर में एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा, दो या तीन क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इस पूरी वीडियो को घोट के पी जाइएगा। एक एक चीज़ इस वीडियो में वो होगी जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में आएगी। तो पूरी वीडियो को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जल्दी जल्दी, और हमारे बैक टू स्कूल की एंड्रॉइड एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं और 3,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट नोट्स और पीडीएफ को पढ़ रहे हैं, जिससे उनका सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर होना लगभग 100% तय है। अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं की है और सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ले लीजिए, आपका भी एग्ज़ाम क्लियर करना 100% तय है। आज की इस वीडियो में पहला जो हमारा टॉपिक होगा वेद, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस पूरी वीडियो में हमारा जो ध्यान रहेगा वो ये होगा कि वेद क्या होते हैं। जो चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उनके बारे में एक एक वो चीज़ जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में आएगी वो हम करेंगे। इसके अलावा एचटेट, रीट, यूपी टेट, किसी भी टेट एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं पेपर टू लेवल टू के लिए, तो वो देखें। चलिए सबसे पहले वेद को समझने की कोशिश करते हैं। वेद का मतलब क्या होता है? देखिए, वेद भारत के ओल्डेस्ट, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। तो जब भी पूछे कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन से हैं तो आपके वेद ही होंगे। अब इनकी संख्या के बारे में बात करें तो वेदों की संख्या है चार। वेद संख्या में चार हैं और इन चारों वेदों के नाम हैं ऋग्वेद सबसे प्राचीन, सेकंड नंबर पर है आपका यजुर्वेद, तीसरे नंबर पर आपका है सामवेद और चौथे नंबर पर है आपका अथर्ववेद। इन चारों के समूह को ही आप वेद बोलते हैं और ये सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथ हैं। अब ये जो चारों धार्मिक ग्रंथ हैं, इन चारों की अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंट प्लेस है हिस्ट्री के अंदर। चाहे ऋग्वेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे अथर्ववेद हो, तो क्यों ना एक एक करके इन चारों को ऐसी चीज़ों से अवगत कराऊं मैं आपको इन चारों की, जो सीधा है चीज़ें एग्जाम में आई है। तो पूरी वीडियो आपको देखनी है। यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा देना है और नए स्टूडेंट को सब्सक्राइब का बटन भी दबाना है और फिर वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ऐप को भी इंस्टॉल करना है। अब ऋग्वेद, देखिए ऋग्वेद को ओल्डेस्ट वेद माना जाता है, ये इसकी सबसे पहली और सबसे खास बात है। दूसरी खास बात ये है कि इसके भाग कितने हैं। इसके अंदर 10 मंडल हैं। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर सूक्त कितने हैं, 1028 इसके अंदर सूक्तियां हैं। कई बार क्वेश्चन आया है कि इसके अंदर ऋचाएं कितनी हैं। ऋचाओं की अगर बात करूं तो 10,462 ऋचाएं हैं। देखिए मंडल का मतलब होता है वॉल्यूम। ऋग्वेद की 10 किताबें हैं, 10 वॉल्यूम है इसकी। सूक्तियां 1028 हैं और इसकी ऋचाएं 10,462 हैं। तो इन तीन प्रश्नों के समूह में से भी एक प्रश्न आपका आता है। अब जो ऋग्वेद की ऋचाओं को जो व्यक्ति पढ़ता है उसको क्या कहा जाता है?
देखिए, इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। होत्री, कई बार क्वेश्चन आता है कि होत्री कौन से वेद को पढ़ने वाले ऋषि को कहते हैं, तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को कहते हैं। ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात हुई। चौथी इंपॉर्टेंट बात इसकी ये आती है कि ये जो ऋग्वेद है, आखिरकार इसके अंदर ये जो 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियां हैं और 10,462 ये जो ऋचाएं दे रखी है, इनमें आखिरकार लिखा किस चीज के बारे में गया है। तो देखिए, ये है, ये जो वेद है, इस वेद के अंदर आर्यों से रिलेटेड, जो आर्य लोग थे, आर्यों से रिलेटेड, आर्यों से संबंधित जो उनकी राजनीतिक प्रणाली थी और जो उनका इतिहास था, उसकी जानकारी मिलती है। वेद में आर्यों से रिलेटेड जानकारी एवं आर्य राजनीतिक प्रणाली के बारे में पता लगता है। तो कई बार क्वेश्चन ये आता है कि आर्यों से रिलेटेड जानकारी और आर्यों की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थी, राजनीतिक प्रणाली थी, वो कौन से वेद से पता लगती है, तो वो ऋग्वेद से पता लगती है। तो काफ़ी अमेजिंग बातें आपको पता लगी ना ऋग्वेद के बारे में। तो अभी कहाँ देर हुई है, अभी तो और इम्पोर्टेंट बातें हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद के अंदर इसके रचयिता कौन है, रचने वाले, ऋग्वेद को रचने वाले कौन है, तो ऋषि विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र ने इनकी रचना की थी। और कई बार क्वेश्चन आता है कौन से देवी देवताओं के बारे में, कौन से मंडल में लिखा हुआ है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो देवी देवताओं का मिलता है ऋग्वेद में, वो मिलता है सूर्य देवता का। सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन किसका मिलता है आपका, बताइए। दूसरा आपका क्वेश्चन मिलता है आपका सोम देवता का। तीसरा क्वेश्चन क्या मिलता है, तीसरा क्वेश्चन आपको मिलता है इंद्र का। और चौथा आपको मिलता है अग्निदेव का। इन चारों देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो क्वेश्चन ये चार तरीके से भी बनते हैं यहां पर ऋग्वेद से। अब देखिए, इतनी डीप वीडियो आपको YouTube पर नहीं मिलेगी, तो प्यार जरूर दिखाएं, लाइक जरूर करें और पेपर टू वाले स्टूडेंट्स को भी बताएं कि YouTube पर भी आपको अच्छी चीजें मिलती हैं पेपर टू की। चलिए, अगर आपसे बात करें कि विश्वामित्र ने इसकी रचना की, तो सूर्य देवता के बारे में कहां पर लिखा, तो देखिए ऋग्वेद के दूसरे मंडल में, ऋग्वेद के दूसरे मंडल में सूर्य देवता के बारे में काफी बातें हैं। और सूर्य देव का, देवता को ही समर्पित इसके अंदर गायत्री मंत्र है। ये गायत्री मंत्र का क्वेश्चन भी आपको आता है और आपको सिर्फ ये गायत्री मंत्र रटवा दिया जाता है कि ऋग्वेद के दूसरे मंडल में है, लेकिन इसके रचने वाले विश्वामित्र ने काफी देवताओं के बारे में लिखा है, तो सूर्य देवता के बारे में स्पेसिफिक गायत्री मंत्र लिखा उन्होंने दूसरे मंडल में। अब बात करते हैं सोम देवता की। अब सोम देवता का उल्लेख मिलता है इसके नौवें मंडल में। फिर बात करते हैं इंद्र की। देखिए, इंद्र देवता की अगर बात करूं, तो इंद्र के लिए दोस्त यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी ऋचाएं हैं, इंद्र और अग्नि की ऋचाओं के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इंद्र के लिए 250 ऋचाएं हैं और अग्नि देव के लिए उनसे 50 कम, यानी कि 200 ऋचाएं हैं। ये चार क्वेश्चन बनते हैं। सोम देवता नौवें मंडल में ऋग्वेद के, सूर्य देवता दूसरे मंडल में गायत्री मंत्र जिनके लिए है, इंद्र की 250 ऋचाएं हैं और अग्नि देव की 200 ऋचाएं हैं, लाइंस यानी कि। अब कई बार एक क्वेश्चन इनके अलावा भी आ जाता है, वो और आप लिख लीजिएगा। वो क्वेश्चन है आपके पुरुष सूक्त का। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में पुरुष सूक्त के वर्णों का जिक्र है, यानी कि जो चार वर्ण आपको बताए गए थे
उनका जिक्र कहां पर है? पूर्ण पुरुष सूक्त के वर्णों की उत्पत्ति, वो हो गया आपके दसवें मंडल में। तो ऋग्वेद के बारे में आपने इतनी इंपॉर्टेंट चीजें जानी कि ऋचाओं के क्रमबद्ध संग्रह को आप ऋग्वेद कहते हैं। इसके अंदर 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10462 ऋचाएं, और इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। और इस वेद के अंदर से राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में, आर्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और विश्वामित्र ने ऋग्वेद के दूसरे मंडल में सूर्य देवता के लिए गायत्री मंत्र, और नौवें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। और यहां पर एक चीज और आप नोट डाउन कर लीजिए कि वामन अवतार के बारे में भी, यानी कि आपने वामन अवतार के बारे में सुना होगा, तो वानव अवतार, वामन अवतार का जिक्र विष्णु भगवान का ये अवतार था, जिन्होंने तीन पगों के अंदर जो है तीनों लोक नाप दिए थे। तो वामनावतार का जिक्र भी आपका कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद के अंदर मिलता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई, और पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख हुआ है दसवें मंडल में। वामन अवतार का भी जिक्र ऋग्वेद में है। तो कितनी अहम भूमिका ऋग्वेद अपनाता है हमारी हिस्ट्री में, आप देख लीजिएगा। एंशियंट हिस्ट्री का पहला ही पार्ट है ये, पूरी एंशियंट हिस्ट्री आपको करा दूंगा, बस सपोर्ट मिलते रहना चाहिए। यजुर्वेद की बात करते हैं। देखिए, यजुर्वेद का एक क्वेश्चन ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और इसके बारे में एक चीज आप जान लिए कि इसके अंदर सैस्वर पाठों के लिए मंत्र तथा जो बलि देने के रूल रेगुलेशन थे उनका कलेक्शन है ये, यानी कि सैस्वर पाठ के लिए मंत्र, यानी कि जो आप बोल बोल कर ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ते हैं इसी के अंदर से हैं वे, एवं जो बलि दी जाती थी, बलि के नियम आपको यजुर्वेद के अंदर मिलेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले ब्राह्मण को आप क्या बोलेंगे, व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे, ऋषि को आप क्या बोलेंगे? होत्री। लेकिन यजुर्वेद के अध्ययन करने वाले ऋषि को आप क्या बोलेंगे, बताइए? अधर्व्यू। क्या बोलेंगे? अधर्व्यू। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यजुर्वेद के बारे में कि ये एक लौता ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। नोट डाउन कीजिएगा, एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है, ये इसको यूनिक बना देता है दोस्त। ये यजुर्वेद के वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो आपको जानने जरूरी हैं और जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब तीसरा वेद सामवेद। सामवेद इतना इंपॉर्टेंट क्यों? ये तीसरा वेद है और सामवेद के अंदर गाई जा सकने वाले ऋचाओं का संकलन है। याद रखना, गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन, यानी कि कलेक्शन। संकलन का मतलब क्या होता है? कलेक्शन। यजुर्वेद में क्या था? सैस्वर पाठ के लिए मंत्र थे, लेकिन यहां पर गाए जा सकने वाली ऋचाएं हैं। अब यजुर्वेद के पाठक को अधर्व्यु बोलते थे, ऋग्वेद के पाठक को होत्री बोलते थे, तो सामवेद के पाठक को आप क्या बोलेंगे, बताइए? उद्ग्रात। क्या बोलेंगे? उद्ग्रात। वो व्यक्ति जो सामवेद का अध्ययन करता है उद्ग्रात कहलाता है। भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को माना जाता है, इंडियन म्यूजिक। इंडियन म्यूजिक की बात करें या म्यूजिक की बात करें तो इसका जनक भी कौन है? सामवेद। तो म्यूजिक के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलती है जिस वेद से, वो सामवेद है। इसके कुछ मंत्रों को छोड़कर इसके अंदर जो मंत्र है वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, लेकिन इसमें वो गाए जा सकने वाले तौर पर है। और इंडियन म्यूजिक की अगर बात करें
तो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका सामवेद। ये सारी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी थी जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में भी आएंगी, और आप अगर इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपकी नॉलेज इतनी ज़्यादा बढ़ेगी, बहुत ही ज़्यादा, यू विल फील प्राउड ऑफ़ योर सेल्फ जब आप एक महीना इन क्लासेस को लेंगे, और फिर जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप वेट करेंगे कि जल्दी से इसको क्लियर करें और अपना फिर आगे एग्ज़ाम क्लियर करें। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद चौथा वेद है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस भी तीनों से कम बिल्कुल भी नहीं है। इसकी रचना किसने की, इसकी रचना का क्वेश्चन आता है अथर्ववेद की। तो देखिए, अथर्वा नामक ऋषि ने, इसलिए इसका नाम अथर्ववेद है, ठीक है। इसकी रचना अथर्वा नामक ऋषि ने की। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि इसके अंदर आर्य और जो अनार्य हैं, यानी कि आर्यों से अलग लोग, उनके मिलन का प्रमाण प्राप्त होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, आर्य और अनार्यों के मिलन का परिणाम, प्रमाण। प्रमाण का मतलब क्या होता है? प्रूफ हमें अथर्ववेद से मिलता है, जो अथर्वा ऋषि ने लिखा था। अब इसके इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं? जैसे सामवेद के अंदर आपको भारतीय संगीत इंपॉर्टेंट दिखा था, यजुर्वेद के अंदर आपने देखा कि सहस्वर पाठ के लिए मंत्र थे, गद्य पद्य दोनों में था वो, लेकिन अथर्ववेद को अलग बनाता है इसके अंदर जादू टोना। कई बार क्वेश्चन आपने जादू टोने का देखा होगा कि कौन से वेद में है, तो अथर्ववेद में है। तो जादू टोना हो, तंत्र मंत्र हो, उसके अलावा वशीकरण हो, या फिर अंधविश्वास हो, इन सब के बारे में अथर्ववेद में आपको मिलता है। रोगों की बात हो, मेडिसिन की बात हो, यानी कि बात हो औषधि की, तो औषधि के बारे में भी आपके अथर्ववेद में मिला है। तो पांच छह चीजें निकल कर आई यहां पर, जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण, अंधविश्वास, रोग, मेडिसिन यानी कि औषधि, इन सब का विशेष वर्णन दे रखा है आपके अथर्ववेद में, जो अथर्वा ऋषि ने लिखा था। इतनी सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझ में आई, तो उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अथर्ववेद के अंदर सभा, ये क्वेश्चन भी देखा होगा, प्लस समिति, इन दो शब्दों का यूज हुआ है। इसको किस सेंस में यूज हुई है सभा और समिति वर्ड? ये प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है इन्हें, यानी कि आपसे पूछा जाएगा प्रजापति यानी राजा या फिर कहे किंग की दो पुत्री, टू डॉटर्स ऑफ किंग किसे कहा गया है? सभा और समिति को। और पांचवी इंपॉर्टेंट चीज जो इससे निकलकर आती है अथर्ववेद से, वो ये आती है कि ये चौथे नंबर का वेद है, तो इससे उत्तर वैदिक काल की अच्छी जानकारी मिलती है। कई बार ये क्वेश्चन भी आया है कि उत्तर वैदिक काल की जानकारी कौन से वेद से मिलती है, तो उत्तर वैदिक काल की जानकारी आपको मिलेगी अथर्ववेद से। तो दोस्त, इससे जो अगली क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे अदर बुक्स, यानी कि और कौन से ऐसे स्रोत हैं जिससे हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप किसी देश के इतिहास को जानने के लिए आप रिसोर्सेज ढूंढते हैं, है ना, प्रमाणिक रिसोर्स जो बिल्कुल ठीक हों, और किसी भी इतिहास को जानने के लिए, जैसे कि स्पेसिफिकली भारतीय इतिहास को जानने के लिए अगर आप रिसोर्सेज का सहारा लें, तो कितने रिसोर्सेज निकल कर आते हैं? कई बार ये क्वेश्चन भी आता है। तो एक तो आप धर्म ग्रंथों से पता कर सकते हैं कि भारतीय प्राचीन इतिहास क्या था, उसके अलावा धर्म ग्रंथों के अलावा आपके जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनसे आप पता लगा सकते हैं। तीसरी चीज जिनसे आप पता लगाते हैं वो है विदेशियों का विवरण, क्योंकि जब भारत में राजा थे उनके टाइम पर फॉरेन ट्रेवलर्स काफ़ी आए, तो उनके विवरण से भी आप पता लगा सकते हैं कि प्राचीन भारत कैसा था। उसके अलावा जितने भी आपको पुरातत्व चीज़ें मिलती हैं, लेख मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं,
उनसे भी आपको प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। आज की इस क्लास में हमने वेदों के बारे में पढ़ा, कल की क्लास में हम क्या करेंगे? देखिए, कल की क्लास में हम अनेक इम्पोर्टेंट जो है अदर बुक्स को देखेंगे, जहाँ से हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलेगी। जैसे कि अरण्यक ग्रंथ आपके क्या थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उपनिषदों के बारे में पढ़ेंगे, उपनिषद के बाद हम सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कल्प सूत्र क्या था, हम स्मृतियों के बारे में पढ़ेंगे और हम पुराणों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद थोड़ी सी पेंटिंग्स। तो कल की क्लास काफ़ी लंबी होगी और कल के क्लास में हम 5-7 चीज़ और इम्पोर्टेंट देखेंगे, ठीक है ना। और हम एंशियंट हिस्ट्री को क्लियर करेंगे ऐसे ही चैप्टर्स में, और फिर उसके बाद हम टॉपिक्स में एंशियंट हिस्ट्री को क्लियर करने के बाद मेडिवल में फिर मॉडर्न में पहुँच जाएंगे। शर्त मेरी इतनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोस को लाइक शेयर करना है। जितने ज़्यादा व्यूज़ लाइक शेयर होंगे उतनी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन आएगी और उतनी ज़्यादा वीडियोस मैं आपके लिए दूंगा। MCQ की भी वीडियोस आप लोगों के लिए आ रही हैं, पेपर 2 वालों के लिए, और अब ये चैप्टर्स की वीडियो भी। तो दोस्त, पूरी तरीके से मैं 100% आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, तो यू हैव टू बी विद मी। शो योर लव, शेयर दिस वीडियो, इंस्टॉल माई बैक टू स्कूल ऐप, टेक सब्सक्रिप्शन एंड क्लियर सीटेड 100%। तो चलिए दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करता हूँ। तब तक ले जय हिंद जय भारत। सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिएगा, लाइक करके दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। टेक केयर।